आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के 2023 के जूलॉजी के सेकंड क्वेश्चन पेपर में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर 2023 के बाकी सभी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें टॉपिक है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, सक्रिय परिवहन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द्वितीय एनाफेज तथा मेटाफेज, युग्म विकल्पी, जीन प्रकटन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न के बारे में बताइए। इसमें टॉपिक है एनिडो वायरस, वायरोइड एवं प्रियोन्स, रिक्तिका, प्रिकेंद्री, ओपेरोन प्रतिरूप, जीनोटाइप। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें टॉपिक है बैक्टीरिया तथा बैक्टीरियोफेज, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका, हेटरोक्रोमेटीन एवं यूक्रोमेटीन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन। फिर चौथा क्वेश्चन है, घातक तथा लीथल जीन पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, सहलग्न समूह तथा सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है। छठा क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में श्वेत नेत्रों की वंशागति की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, उभयलिंगता क्या है। नौवां क्वेश्चन है, स्यूडो उभयलिंगता से क्या तात्पर्य है। दसवां क्वेश्चन है, एक गुणिता एवं अगुणिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राइबोसोम का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, लवक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, हरित लवक का विस्तृत वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, द्विगुणन या संयोजन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन है, पॉली प्लोइडी कितने प्रकार के होते हैं, स्वबहुगुणितों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, अति प्रभाविता तथा सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। आठवां क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा लिखिए, जीन की आधुनिक धारणा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नवा क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दसवा क्वेश्चन है, लिंग संलग्न अनुवंशिकता पर निबंध लिखिए। तो ये थे सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना तथा सूत्रकणिकाओं के प्रकारियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्यीय जालिका से आप क्या समझते हो, इसकी संरचना, प्रासंरचना, प्रारूप तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, असुगुणिता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, जीन प्रकटन का नियमन पर निबंध लिखिए तथा मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर एवं जेनेटिक पुनर्मिलन की क्रियाविधि के सिद्धांतों को समझाइए। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है,